पार्टीज हैं वो सारी आज डिस्पैच हो रही हैं, और जो हमारे इनएक्सेसिबल जो पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे हैली से हमने पोलिंग पार्टीज को भिजवाना था, तो उनका प्रोसेस जो है वो कल ही कंप्लीट हो गया है। और बाकी जो दूरदराज की पार्टियां हैं जो कल जानी थी वो यहाँ से चली गई हैं, और उसके बाद रिमेनिंग पार्टीज जो है हमारी वो आज से रवाना हो रही है बीमा थान से। उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास जितने भी हमारे इंतजाम है, जैसे AMF को लेके हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर, जैसे पानी का, बिजली का, बाथरूम का, वहाँ पे कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशन भी है हमारे, कुछ वुमेन पोलिंग स्टेशन भी हैं हमारे, तो जितने भी एज पर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जितने भी इंतजाम होने चाहिए वो सारे हमने जो है वो कर दिए हैं। और कल जो है वो हमारा इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री, फेयर, स्मूथ और एथिकल वे में जो है वो वोटिंग का हमने पूरा जितना भी इंतजाम चाहिए थे वो सारे किए हैं, एंड आई होप उसी तरीके से सारी चीज़ें जो है वो होंगी। उसके बाद सिक्योरिटी के भी इंतजाम उसी तरीके से हमने किए गए हैं, जिस हिसाब से सिक्योरिटीज की ज़रूरत थी उसी हिसाब से हमने हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर अपने सिक्योरिटीज जो है वो उनको तैनात किया है। उसके बाद जो बताता चलूँ मैं आपको कि यहाँ पे जैसे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन विंग है J&K पुलिस की, तो उसके भी जितने सारे वायरलेस ऑपरेटर हैं जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत थी एज पर हमारा कम्युनिकेशन प्लान, वहाँ पे वो सारे हमने डिप्यूट कर दिए हैं। तो नाउ सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं एंड वी आर रेडी फॉर पोलिंग ऑन 6th of May। अच्छा सर, कितना पोलिंग स्टेशन है और कितना ROs या AROs तैनात किए सर? ROs AROs तो हमारे पास RO, जैसे आपको पता ही है कि ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो इसमें डिप्टी कमिश्नर ले जो है वो RO है, उसी के अकॉर्डिंगली जो एज पर द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है उसके अकॉर्डिंगली एक ARO लगाया जाता है। जैसे लद्दाख करगिल के अंदर जो है वो हमने 3 ARO लगाए हुए हैं, एक करगिल संस्कार के लिए और दूसरा करगिल 49 के लिए, और संस्कार में 1 ARO हमने जो है वो एक्स्ट्रा रखा है बिकॉज ऑफ जो वहाँ पे मौसम के हालात हैं या रोड की जो कनेक्टिविटी का इशू है, तो जिसकी वजह से किसी भी तरीके से हम अपनी जो कोई भी इशू होगा उसको डील करें। सर, मीडिया को लेके ये जो ड्यूरिंग पोलिंग कहाँ तक इनका डिस्टेंस होगा सर, कि मोस्ट पोलिंग स्टेशन के अंदर हमें जाने की इजाज़त नहीं होती? पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके मतलब आप जो बाहर पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे आप उनका वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर जो है वो इजाज़त नहीं। सर, अभी लेट से एक खबर आ रही है प्रेस क्लब को लेके, इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान कुछ ब्राइबरी के केसेस आए सर, उन्होंने FIR भी की है बीजेपी लद्दाख को लेके, तो बीजेपी लद्दाख ने फिर इन पे डिफेमेशन का कुछ किया, आप एज ए असिस्टेंट ये आप इसका किस तरह देखते हो सर? आपका तो लाइजन होगा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अभी मेरी उस बारे में, क्योंकि हम सारे ही बिजी हैं, अभी मैडम से भी मेरी बात नहीं हुई है, हम सारे ही बिजी हैं क्योंकि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटीज ये है कि जितनी भी पोलिंग पार्टीज हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन के ऊपर चली जाएं। जैसे हमारे पास 265 पोलिंग स्टेशन है, तो आपको पता ही है यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी या जिस तरीके से इनएक्सेसिबिलिटी या दूर दराज हमारे इलाके हैं, तो उनमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो है हमारी वो यही है। तो अब इसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो सर करगिल जो दिशवार गुजार इलाके हैं, खासकर लुमनक जैसे इलाकों में आपने पहुंचा होगा, तो ऐसा कौन सा स्टेशन है सर जहाँ पे बिल्कुल कम पोलिंग स्टेशन हो और उस पर ज़्यादा खर्चा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे पास, ऐसा कोई हम नहीं रहते हैं। देखो, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, अगर एक भी वोटर है तो हमने जो है इंश्योर करना है कि उसको वोटिंग जो है वो बिल्कुल स्मूथ, फ्री, फेयर एंड एथिकल वे में जो है उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सके। इसमें हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, बाकी इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखते हैं हम कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी खर्चा है, ये सारी चीज़ें हैं, एक मशीनरी है, एक सिस्टमेटिक वे है, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें अंजाम दी जाती हैं। करगिल के वोटर्स के लिए सर क्या पैगाम रहेगा आपका? मैं तो यही पैगाम देना चाहता हूँ कि 6 मई का दिन है, अपना वोट जो है उसको सही से इस्तेमाल करें, ये ना सोचें कि हम वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, एक एक वोट की वैल्यू है, एक एक वोट की कीमत है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाएं बढ़ चढ़ कर इस जमहूरियत के त्यौहार में हिस्सा लें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और ज़ाया ना करें, और ये ना सोचें कि हम वोट नहीं देंगे तो इससे कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं बताता चलूं कि जैसे किसी दीवार में एक एक ईंट जो है वो बनने के बाद जो है पूरी दीवार खड़ी होती है, अगर एक भी ईंट निकाल दो तो दीवार में जो है वो किसी किस्म की कमी आ जाती है। इस तरीके से जितने वोटर इसमें जमहूरियत के त्यौहार में हिस्सा लेंगे उतना इस त्यौहार को जो है वो तकवीयत मिलेगी, वसत मिलेगी।